कहाँ तक पढ़े थे हम? मैथमेटिकल टूल्स सीख रहे थे ना। चलो मैथमेटिकल टूल्स में आपको समझ में आ गया डिफरेंशियल कैलकुलस क्या है और इंटीग्रल कैलकुलस क्या है। ठीक, अब हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 3 जिसका पहला क्लास हम कर चुके थे इंट्रोडक्शन वाला। आज हम और थोड़ा आगे जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा अगर याद दिला दूँ, हम बात कर रहे थे किसका, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में बात किए थे, स्पीड और वेलोसिटी। पहले इसको जाना देखते हैं, स्पीड क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं और इनमें बहुत ही छोटा सा या बहुत हल्का क्या डिफरेंस है। स्पीड क्या होता है हमारा, स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर ये बोल सकते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड या टोटल टाइम। ठीक है, लेकिन वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एज बिकॉज हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड हमारा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड हमारा क्या हो रहा था, हाँ, इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। दोनों का एसआई यूनिट सेम। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में। पहला टाइप जो आएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये तो पहला टाइप हुआ यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद वेरिएबल स्पीड क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, अब जब गाड़ी चलाते हो तो हर जगह आपका स्पीड कांस्टेंट तो नहीं होता, होता है नहीं होता, तो एवरेज स्पीड आपका क्या है। मान लो आप यहां से आपके घर तक गए, अलग अलग वेरिएबल स्पीड से जाओगे, कभी भी यूनिफॉर्म स्पीड पे हम नहीं चलाते, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है। हम वेरिएबल स्पीड से जाते हैं तो यहां से मान लो आपके घर तक 5 किलोमीटर है, ठीक है, और आपको टाइम लगा 8-10 मिनट क्योंकि रास्ता पूरा खाली था, तो आपको एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, डिस्टेंस निकाल दो 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय आपको जितना टाइम लगा। या फिर अगर आप ऐसे सोचो, मान लो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से कोचिंग से आपने स्टार्ट किया और यहां पे बी तक पहुंचे आपका घर, ठीक है, जब जा रहे हो यहां से यहां तक, मान लो ये मैं 10-10 पे ये कर दे रहा हूं, 10, 20 और 30, ठीक है, यहां से आप यहां तक पहुंचे, ये मीटर में है, ये किलोमीटर तो इतना नहीं होगा, मीटर में मान लो, यहां से यहां तक आपको लगा 5 सेकंड, यहां से यहां आपको लगा 10 सेकंड, और यहां से यहां आपको लगा 5 सेकंड, और फिर 30 से 20 तक पहुंचने के लिए आपको लगा मान लो 4 सेकंड, तो आपका स्पीड कितना होगा, ये सारे इंटरवल को ऐड कर दो, सारा इंटरवल 10-10 के इंटरवल में है तो 40 डिवाइडेड बाय सारा टाइम ऐड करके, तो एवरेज स्पीड आपका क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन ए ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये बोल सकते हैं एवरेज स्पीड। उसके बाद और एक जो इंपॉर्टेंट है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इस चीज को जरा समझना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपका स्पीड कितना है। मान लो आप गाड़ी चला के घर जा रहे हो और रास्ते में मैं मिल गया आपके बगल में गाड़ी चलाते चलाते, और आपको पूछा कि बेटा आपका स्पीड अभी कितना है, तो आप कैसे बताओगे, स्पीडोमीटर को देखोगे, जो स्पीड होगा वो बताओगे। तो वो जो स्पीड आपने मुझे बताया वो स्पीड आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए था, क्योंकि हो सकता है उसके बाद आप मुझे देख के थोड़ा रह जाओ, मतलब ब्रेक दबा दो, या फिर मुझे देख के भाग जाओ, एक्सेलरेट कर दो, तो उस टाइम पीरियड पे आपका स्पीड था और उसके बाद अगर आपका स्पीड बढ़ सकता है या फिर घट सकता है, तो उस टाइम पीरियड पे जब मैंने पूछा तो उस टाइम पीरियड पे जो स्पीड आपने मुझे बताया वो स्पीड को हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम कैसे निकालते हैं, वी इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये चीज के बारे में हम मैथमेटिकल टूल्स में बात किए हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, इस टोटल चीज को हम क्या बोलते हैं, डी
सॉरी डेल्टा वी नहीं डेल्टा एक्स चेंज इन डिस्टेंस बनते और इस चीज को हम क्या बोलते हैं डी एक्स अपॉन डी टी जो हमने डिफरेंशियल कैलकुलस में मैंने बताया था डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी dx upon dt करके निकाल सकते हैं। तो जब भी हम कोई भी इंस्टेंट या पर्टिकुलर टाइम पे जब हम वेलोसिटी निकालना चाहें या स्पीड निकालना चाहें तो हमें डिफरेंशियल कैलकुलस का मदद लेना होगा, ठीक है। और ये आपका होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड को हम कैसे मेजर करते हैं बाय यूजिंग स्पीडोमीटर, ठीक है। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ स्पीड। अब आते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, इनके क्या टाइप्स हैं। पहला इनका भी यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होगा, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दूसरा क्या होगा, वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या होगा, अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये होगा, या फिर हम एवरेज वेलोसिटी को और कैसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। ये भी लिख सकते हैं, इसको हम और क्या भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस इन चेंज इन टाइम। लेकिन आप यहां पे इसको डी एक्स बाई डी टी नहीं लिख सकते, क्योंकि एवरेज कब आप निकालते हो, जब वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो या बहुत बड़ा टाइम हो तभी जाके टोटल निकालोगे ना। एवरेज का मतलब तो वही होता है मीन, लेकिन इसका मतलब डी एक्स अपॉन डी टी नहीं होता। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें और इसमें कंफ्यूजन मत करना, वो सिर्फ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, लेकिन यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर उसके साथ लगा है। जब लिमिटिंग फैक्टर लग जाएगा उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, ठीक है। उसके बाद चौथा ये है एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स वेक्टर बाय डेल्टा टी। यहाँ पे मैंने ऊपर एक ये लगाया एरो सिंबल, इसका मतलब क्या होता है कि डेल्टा एक्स हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, और जिसका डायरेक्शन होता है ऊपर हम तीर लगाते हैं। हम वेक्टर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, आगे चैप्टर्स में, अभी के लिए इतना समझ लो। तो इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूँ, वी इज इक्वल टू डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी, समझे। अब बात करेंगे, ये लिख चुके मिटा दूं, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन नहीं। अगर एक बॉडी, ठीक है, मूव कर रहा है और वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन हम क्या बोल सकते हैं, वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, समझे या नहीं समझे। ए बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, खत्म, समझे। तो यूनिफॉर्म मोशन उसे बोला जाता है। अब इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। मान लो ये आपका पाथ है, ये स्टार्ट होता है जीरो से, ठीक है। आप यहां पे खड़े हो, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यहां से, ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपको बोला यहां पे जब पहुंचा, ठीक है, यहां पे जब पहुंचा तब आपके लिए टाइम कितना होगा, जीरो, क्योंकि आप मान लो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, एक गाड़ी दूर से आ रहा है, ठीक है, गाड़ी दूर से आ रहा है, लेकिन मेरे सामने जब पहुंचा उसका स्पीड मेरे से पहले, मेरे तक पहुंचने से पहले क्या है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास जब पहुंचा टी वन पे उसका वेलोसिटी मुझे पता चल गया, मैंने उसे पूछ लिया। जब वो कुछ देर बाद और आगे गया मुझे क्रॉस करके, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, मुझे क्रॉस करके आगे गया, उसका वेलोसिटी कुछ और होगा और विद टाइम इंटरवल भी कुछ और होगा, होगा या नहीं होगा। तो मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, जब वो यहाँ पे पहुंचा, मान लो डिस्टेंस एक्स नॉट कवर करके आया, मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एक्स नॉट कवर किया, ठीक है, यहाँ पे मेरा टाइम कितना है टी जीरो। जब वो यहाँ पे पहुंचा, टाइम मान लो मेरा टी है, टाइम मान लो कितना है
टी, जब वो यहां से यहां पहुंचा मान लो, तब मेरा डिस्टेंस हो गया एक्स, मेरा नहीं उस ऑब्जेक्ट का। फिर यहां से यहां तक पहुंचा मान लो, उस टाइम पे उस टी डैश चेंज होगा, टाइम टी डैश हुआ और यहां से यहां तक जब डिस्टेंस आया तो मान लो एक्स डैश पे पहुंचा, एक्स डैश कवर किया। तो अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन टाइम इंटरवल 0 to t, तो कितना होगा वेलोसिटी 0 से t तक जब हो गया तो वेलोसिटी कितना होगा? क्या फॉर्मूला था? v इक्वल टू, कहां पहुंच गए अभी तो बुलेट, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट 0 से लेकर t तक, तो x माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा? t माइनस 0। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला इसको कंसिडर क्यों नहीं किया गया, आया दिमाग में या नहीं? नहीं है। चलो इसको कंसीडर हमने किया, इस वाले पाथ को ऑब्वियसली किया क्योंकि एक्स नॉट पे पहुंचा है ना। अगर मैं इसको कंसीडर नहीं करता तो यहां से उसका डिस्टेंस कितना होता? 0 होता। वो आगे से कहां कहीं से भी आ रहा हो, मेरे पास जब पहुंचा वो कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर करके मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन यहां पे जब हम यहां से यहां पर जब पहुंच गए तो मतलब जब स्टार्ट किया होगा कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर मैं उधर ओरिजिन पर खड़ा होता, वो जहां से स्टार्ट किया, तब वहां पे मेरा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना होता? डिस्प्लेसमेंट कितना होता? 0 होता। लेकिन मैं वहां पे खड़ा नहीं हूं, मैं यहां पे खड़ा हूं, बातों को समझना, मैं यहां पे खड़ा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट हुआ जो मेरे से पहले है, जो मुझे पता नहीं है लेकिन जो गाड़ी चला रहा है उसको पता है ना। तो एक्स नॉट इसलिए कंसिडर किया गया, तो ये मैं सोचना कि कंसिडर नहीं किया, ठीक है। तो या इसको अगर थोड़ा सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? वी टी इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट, और एक्स नॉट विल बी इक्वल टू क्या? वी नॉट एक्स वी टी माइनस एक्स, लेकिन यहां पर माइनस है तो माइनस कॉमन ले लो, एक्स माइनस वी टी, ए सॉरी एक्स प्लस वी टी, नहीं समझे, माइनस कॉमन लिया था। तो एक्स नॉट इक्वल टू एक्स प्लस वी टी। अगर आप बचपन में थोड़ा छोटे टाइम पे चले जाओ, मतलब अपने बचपन वाले क्लासेस में, तो यहां वहां पे आप ये पढ़ते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ते थे ना। अब इसके बारे में भी हम आगे चलेंगे, निकालेंगे, ठीक है। इसके साथ कुछ लिंक नहीं है। कैसे? चलो ठीक, आपको करके दिखा देता हूं। वी टी इक्वल टू एक्स, एक्स को इस तरफ ले आया तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स नॉट, इसमें से माइनस कॉमन जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस वी टी प्लस एक्स। चलो अब यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर लिए, अब बात करते हैं इसके बारे में, एक्सेलरेशन। ये भी एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना है आप लोग, हालांकि बचपन में छोटे क्लासेस में पढ़े हो। एक्सेलरेशन होता क्या? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहां पे आप सोच रहे होंगे कि सर आपने टाइम के बारे में तो बात नहीं की, यहां पे रेट लिखा हुआ है ना, तो रेट का मतलब ये होता है कि बाय टाइम। और या फिर अगर मैं इसको बोलूं चेंज इन चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब भी वही एक ही बात है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सीजीएस यूनिट? सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला बता सकते हो? कैलकुलेट करके बताओ, सिखाया था कैसे निकालना है। क्या है चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है? वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी डिस्टेंस थोड़ी होगा। चेंज इन वेलोसिटी, दो वेलोसिटी को डिफरेंट सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको वेलोसिटी ही मिलेगा। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है आपका? हम वी होता है वेलोसिटी को, हम और क्या बोल सकते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन के लिए? डिस्टेंस का क्या होता है? या फिर अगर मैं बात करूं एक्सेलरेशन इक्वल टू वी अपॉन टी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी को मैं और क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस अपॉन टाइम होल डिवाइडेड बाय टाइम। तो इस चीज को और क्या लिख सकता हूं? एक्स अपॉन टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस को आप कैसे मेजर करते हो? एल से, और टाइम को टी टू द पावर एस, बिकॉज बाय में है तो टी टू द पावर माइनस टू,
और इसके साथ m हो गया आपका जीरो, m जीरो ना लिखोगे तब भी चलेगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका क्या निकल के आ गया, एम एल टी टू दी पावर माइनस टू, ऐसा कैलकुलेट किया जाता है। कितना याद रखोगे, हाँ हाँ कितना याद रखोगे। अब आते हैं टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन में पहला चीज जो, या पहला टाइप जो है वो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कब होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको थोड़ा समझो एग्जांपल के तौर पे। मान लो आप ए से बी जा रहे हो, ठीक है, यहां पे मान लो आपका डिस्टेंस है 10 मीटर, यहां पे 20 मीटर, ठीक है। यहां से आपका वेलोसिटी, मान लो आपने जहां से स्टार्ट किया वेलोसिटी आपका हो गया जीरो, यहां पे पहुंचे आपका वेलोसिटी हुआ 10 मीटर पर, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी आपका वेलोसिटी मान लो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। हुआ इतना डिस्टेंस कवर किए, और मान लो यहां पे, यहां से यहां डिस्टेंस कवर करने के लिए मान लो आपको लगा टाइम 5 सेकंड का, थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, 10 सेकंड लगा मान लो, फिर यहां से यहां कवर करने में आपको 10 सेकंड लगा। यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रहे हैं, वेलोसिटी पहले जीरो था, फिर 10 आया, फिर 20 हुआ, लेकिन जो चेंज इन वेलोसिटी है क्या वो चेंज हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, ये माइनस ये, तो 10, यहां पे भी 20 माइनस 10, यहां पे भी 10, तो इक्वल चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब यहां पे जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, आपको लग रहा है वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, मतलब गाड़ी हम तेजी से जा रहे हैं, जीरो से स्टार्ट किया फिर 10 पे पहुंचे फिर 20 पे पहुंचे, लेकिन जीरो से 10 पहुंचने के लिए आपको 10 सेकंड लगा, फिर 10 से 20 पहुंचने में भी आपको 10 सेकंड लगा, तो उस टाइम पे आप जो वेलोसिटी में चेंज कर रहे हो वो एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कर रहे हो और इक्वल अमाउंट में कर रहे हो, तो उस टाइप ऑफ एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, इफ वेलोसिटी चेंजेस इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, देन हम उसको, उस बॉडी को या उस ऑब्जेक्ट को बोल सकते हैं वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है, समझे। उसके बाद दूसरा क्या आता है, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाए अनइक्वल अमाउंट में, मतलब पहले जीरो था, यहां पे 10 आया, लेकिन यहां पे पहुंचते पहुंचते 30 हो गया, तो यहां पे और यहां पे टाइम इंटरवल सेम है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी अलग अलग है, तो उस टाइम पे हम क्या बोलेंगे, उस बॉडी, वो बॉडी कौन से एक्सेलरेशन, कौन से टाइप ऑफ एक्सेलरेशन में है, वेरिएबल एक्सेलरेशन में, समझे। तो वेलोसिटी चेंजेस इन अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। उसके बाद तीसरा क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी, टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी बाय टोटल टाइम होगा। उसके बाद चौथा क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो आपको एक पर्टिकुलर टाइम में आपका एक्सेलरेशन कितना हो रहा है वो पूछा जा रहा है। अब आपको अगर गाड़ी आप चला रहे हो और एक्सेलरेट कर रहे हो, घुमा रहे हो आपका एक्सेलरेटर, तो आपको जब पूछा जाएगा कि आपका वेलोसिटी कितना है, आपका स्पीड कितना है, आप स्पीडोमीटर देख के बता दोगे, लेकिन क्या आप एक्सेलरेट, कितना आपका एक्सेलरेशन हो रहा है उस टाइम पे आप वो बता पाओगे, नहीं, क्योंकि ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है जो आपका एक्सेलरेट मेजर करे। एक्सेलरेशन है लेकिन आपकी गाड़ी में नहीं, तो आप वहां पे कैसे निकालोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू लिमिट t tends to 0, time tends to 0 with delta v upon delta t. Delta v upon delta t का मतलब जब time 0 हो जा रहा है आपका velocity कितना है, तो आपको acceleration मिल जाएगा। Acceleration क्या होता है, change in velocity upon time, तो delta v upon delta t, और time tends to 0 का मतलब उस particular time में, एक particular time में क्या होता है,
तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब इसको अगर हम थोड़ा मॉडिफाई करके लिखें तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डीटी, ये भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हम यहां पे इसे पहले वाले कॉन्सेप्ट में जब हम किसके बारे में पढ़ रहे थे, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, तो वी हमने इक्वल टू कितना पढ़ा था, डीएक्स अपॉन डीटी, ये पढ़ा था। तो क्या मैं इस वी के जगह पे ये पुट कर सकता हूं, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डीटी ऑफ डीएक्स अपॉन डीटी, ये हो जाएगा। इसको हम लिखते कैसे हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डीटी स्क्वायर, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ना ना, अब यहां पे इस चीज को समझो, डिफरेंशिएशन में एक चीज को समझो, देखो वही बता रहा हूं, सुनो, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है, मैंने वाई का, वाई को जब डिफरेंशिएट करूंगा तब मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा ना। अब मैं फिर से अगर इस चीज को डिफरेंशिएट करूं तो कैसे करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ, मान लो वाई आपको एक फंक्शन गिवन है x टू द पावर 5, इसका अगर d बाई डी एक्स निकालू तो ये कितना हो जाएगा, या dy बाई डी एक्स निकालू तो कितना होगा, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 x टू द पावर 4, फॉर्मूला x टू द पावर n x टू द पावर n माइनस 1। अब अगर मैं इस चीज का फिर से डिफरेंशिएट करूं, इस चीज का फिर से डिफरेंशिएट करूं, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स अगर लिखता हूं तो मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स ऑफ 5 एक्स टू द पावर 4, ये होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, 20 एक्स टू द पावर 3, ये होगा। तो y को जब मैं दो बार डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पहली बार यहां पे डिफरेंशिएट किया, या दूसरी बार यहां पे डिफरेंशिएट किया, तो उस चीज को बोला जाता है आपका डबल डेरिवेटिव, और उसको लिखा जाता है कैसे, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि होल स्क्वेयर हो रहा है, वो नहीं है, इसका मतलब यह है कि दो बार डिफरेंशिएट हुआ है वो फंक्शन, है ना। जब हम एक्स वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी करते थे, मतलब एक्स को मैंने एक बार डिफरेंशिएट किया, अगर उसी को मैं फिर से और एक बार दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, वही बता रहा है। इसका मतलब होल स्क्वायर नहीं होता, ये बस नोटेशन होता है, ऐसे लिखा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को, ठीक है, तो इसीलिए होल स्क्वायर नहीं हुआ, ये होल स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हायर ऑर्डर वाला, या दो बार डिफरेंशिएट, अगर मैं इसको तीन बार डिफरेंशिएट करता, मतलब इस चीज को और एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूं, अगर करता तो उस चीज को क्या लिखता, मतलब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, तो इसको क्या लिखा जाता, डी क्यू वाई बाय डी एक्स क्यू, ऐसे लिखा जाता, इसको बोलते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, वो मैथ्स में पढ़ोगे आप क्लास 12 में। तो यहां पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन पे ये समझ लो, अगर मैं वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है, लेकिन अगर मैं डिस्टेंस को, चेंज इन डिस्टेंस को दो बार डिफरेंशिएट करता हूं, ठीक है, तब भी मुझे एक्सेलरेशन ही मिलेगा। एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा, दूसरी बार और एक बार डिफरेंशिएट उसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। समझे या नहीं समझे, पक्का देखो, काइनेमेटिक इक्वेशन, चार इक्वेशन है, ठीक है। पहला इक्वेशन क्या, वी इक्वल टू यू प्लस एटी, या बचपन में पढ़े हो आप, बचपन में तीन इक्वेशन पढ़े हो, वी इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा इक्वेशन पढ़े हो क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और एक तीसरा क्या फॉर्मूला था, वी स्क्वायर इक्वल टू, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले आप बचपन में पढ़े हो अगर याद आ रहा होगा अभी, लेकिन क्लास 11th में जब हम आते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम उसमें थोड़ा एडवांस वर्जन सीखेंगे, या थोड़ा हाईली डेवलप्ड। तो हाईली डेवलप्ड में आपको यहाँ पे और एक फॉर्मूला मिल जाता है चौथे में, दैट इज SNF। इसके बाद ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। SNF इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा ये क्या है। पहले इन तीन इक्वेशंस पे आते हैं, इन तीन इक्वेशंस को हम क्लास 11th में यू का, क्लास 11th में जो नोटेशन है वो थोड़ा चेंजेस है। क्या चेंज है, इस इक्वेशन को हम और क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं v इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, हालांकि दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। यहां पे u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन क्लास 11th में हम इनिशियल वेलोसिटी को v नॉट लेंगे, ठीक है, और कुछ ज्यादा सेम बातें हैं, बस थोड़ा नोटेशन में चेंजेस है, ठीक है। दूसरा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये था ना, इसको हम यहां पे जो इक्वेशन यूज करेंगे दैट विल बी x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट इंटू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यहां पे ये यूज होगा, हाँ यहां पे
क्यों कैसे, चलो समझाऊंगा जब डेरिवेशन करेंगे समझाऊंगा, ठीक है। एक्स यहाँ पे एस हम डिस्टेंस लेते थे, यहाँ पे हम डिस्टेंस लेंगे एक्स को, ठीक है। और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस, इस चीज को हम क्या लेंगे, वी नॉट का स्क्वायर माइनस ए, वी का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इसमें क्लास 11 में जो रेड पेन में लिखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा चेंजेस आया है। अब ये क्यों आया है, क्योंकि हमारा जो देखने का नजरिया था है अभी वो चेंज होगा। क्या पहले जब हम छोटे क्लासेस में ये सब फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास 9th में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब पढ़े हैं v इक्वल टू यू प्लस एटी, तब क्या होता था, v इक्वल टू यू प्लस एटी का मतलब जब गाड़ी इधर है उसका कुछ वेलोसिटी यहाँ पे होगा, जो कि जनरली क्या होता था, रेस्ट में होता था। लेकिन क्या हमेशा वो पॉसिबल है, आपके सामने जब आपके सामने से कोई गाड़ी जाएगा आपके लिए, आपके सामने से जो गया वो गाड़ी का वेलोसिटी हमेशा जीरो तो नहीं होगा, या फिर कोई इंसान आप अगर किसी का वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो वो तो आपके सामने आके रुकेगा, फिर रेस्ट में आएगा, फिर जाएगा थोड़ी। लेकिन छोटे क्लासेस में हम क्या करते थे, हम यही मान के चलते थे कि हमारे सामने से ही गाड़ी निकल के जा रहे हैं। लेकिन अभी वो केस भी सही है, वो गलत नहीं है, लेकिन अभी ऐसा भी तो हो सकता है आगे से कोई गाड़ी पहले से आ रहा हो जो मेरे सामने से गया। जब मैं यहां पे हूं तब मैंने उसका टाइम रिकॉर्ड किया, वेलोसिटी रिकॉर्ड किया, तब उसमें वेलोसिटी में चेंजेस आएगा, वेलोसिटी हमारा जीरो नहीं होगा। लेकिन यू हमेशा जनरली वहां पे जब छोटे क्लासेस में कुछ जीरो होता था अगर याद आ रहा, तो इसीलिए ये छोटे छोटे चेंजेस आए हैं, ठीक है। वहां पे हमारा देखने का नजरिया अलग था, यहां पे हमारा देखने का नजरिया अलग है, बातें हैं सारा सेम लेकिन बस देखने का नजरिया बदल गया, ठीक है। मान लो ये रास्ता है, ये जीरो ओरिजिन है, ठीक है, जहां से स्टार्ट हुआ, आप यहां पे खड़े हो, ठीक है, जीरो से स्टार्ट हुआ यहां तक पहुंचा, तो डिस्टेंस मान लो एक्स नॉट, यहां से यहां डिस्टेंस एक्स नॉट पे पहुंचा, यहां से फिर यहां तक ट्रैवल किया, मान लो डिस्टेंस हो गया एक्स, ठीक है। आप यहां पे खड़े हो तो मतलब यहां पे आपका टाइम कितना होगा आपके लिए, जीरो, क्योंकि आप यहां से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वो जो गाड़ी है वो यहां से जीरो से चलते हुए आ रहा है, आपने यहां से टाइम शुरू किया, और यहां पे आपका टाइम मान लो हो गया टी, टी लिख लो बस, टाइम आपका हो गया मान लो टी, ठीक है। तो गाड़ी का जो वेलोसिटी यहां पे कितना होगा इस वाले पॉइंट पे, इनिशियल आपके लिए इनिशियल वेलोसिटी, मान लो अब जो वेलोसिटी है वो आपका वी नॉट है, यहां पे इस वाले पोजीशन पे वेलोसिटी आपका वी नॉट, और यहां पे वेलोसिटी मान लो आपका हो गया वी। ये सारा क्या मैंने लेट कंडीशन माना, क्योंकि गाड़ी इस जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो जब यहां पे पहुंचा आपके लिए टाइम जीरो हुआ, लेकिन उसके लिए वो यहां से यहां तक कुछ तो डिस्टेंस कवर किया होगा, वो कुछ वेलोसिटी से आ रहा होगा, तो इसलिए वी नॉट। अगर यहां से गाड़ी स्टार्ट करता तो यहां पे वेलोसिटी हमारा जीरो होता, इनिशियल वेलोसिटी होता ना, तो यहां पे वो अब जब पहुंचा डिस्टेंस एक्स कवर किया और टाइम टी लगा उसे और वी वेलोसिटी उस टाइम पे है। अब ये जो एक्स है इसको समझना, ये एक्स जो है ये जीरो से ही मेजर हो रहा है एक्स, मतलब जो एक्स हमने लिया यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका एक्स है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका एक्स नॉट है, समझे। ये मत समझना ये एक्स यहां से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, जब भी मेजरमेंट होता है हम जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, तो ये एक्स जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है। इतना चीजें समझे या नहीं समझे, चलो पहला चीज जो या पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला को अगर हम थोड़ा डिराइव करें, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, अब यहां पे जो हम फॉर्मूला अभी या जो इक्वेशन निकालेंगे यहां पे हम क्या मान के निकालेंगे, यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब होगा, नहीं जब वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, जब वो होता है हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, समझ रहे हो या नहीं समझो। तो ये जो चार इक्वेशंस हैं, इस चारों इक्वेशंस के लिए हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं बॉडी इज इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है, तब हम ये चार इक्वेशंस बता सकते हैं। यहां पे एक्सेलरेशन वैरी नहीं कर रहा, जो भी एक्सेलरेट हो रहा है वो एक वो यूनिफॉर्मली हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारा क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, है ना। तो आप यहां पे खड़े हो तो चेंज इन वेलोसिटी आपके लिए क्या होगा, v माइनस v नॉट, ये होगा ना। लेकिन अगर आप यहां पे खड़े होते, बेटा जरा देख लो, अगर आप यहां पे खड़े होते तो आपके लिए चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता, v माइनस जीरो। लेकिन आप वहां पे खड़े नहीं हो, जब आप छोटे क्लास में जब आप पढ़ते थे तब आप यहां पे खड़े होते, लेकिन अभी जो हम कहां पे खड़े हैं, यहां पे खड़े हैं, तो यहां के लिए क्या होगा, v माइनस v नॉट। तो एक्सेलरेशन विल बी v माइनस v नॉट डिवाइडेड बाय टाइम, तो टी माइनस जीरो
ये हो गया। तो a इक्वल टू क्या निकल के आएगा, v माइनस वी नॉट बाय t, ये होगा। तो ए टी इक्वल टू कितना हो गया, v माइनस वी नॉट। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, v नॉट प्लस ए टी, ये हुआ। तो ये वाला फॉर्मूला आपका पहला वाला इक्वेशन डिराइव हो गया। मैंने डिराइव नहीं किया, एक्चुअल डेरिवेशन ये नहीं है, बस आपको एक छोटा सा लॉजिक दिया, समझे। अब आते हैं दूसरे वाले इक्वेशन पे। दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए वेलोसिटी वी एवरेज का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां पे देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, x माइनस एक्स नॉट, इतना ही तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्योंकि आप यहां पे खड़े हो। तो x टोटल x माइनस एक्स नॉट अगर करेंगे तो मुझे ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। तो x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय टाइम t माइनस जीरो, ये होगा। तो इस चीज को अगर हम थोड़ा लिखें तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी एवरेज इन टू टी, ये बनेगा। चलो अब एवरेज निकालने का हमारे पास और एक फॉर्मूला होता था, किसी भी चीज का एवरेज कैसे निकाल सकते हैं। एक तो ये कर दो ये माइनस ये बाय, वो तो एवरेज निकाल सकते हैं। और एक दूसरा एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, सारा चीजों को ऐड कर दो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, ये भी तो आप बचपन में सीखे हो। तो वी एवरेज को मैं और क्या लिख सकता हूं, वी एवरेज को मैं और क्या लिख सकता हूं, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी बाय टू, तो कुछ गलत होगा। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, वी प्लस वी नॉट बाय टू, ये लिख सकता हूं। अब इस चीज को मैं यहां पे पुट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा इक्वेशन, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी प्लस वी नॉट बाय टू इन टू टी, ये होगा। अब देखो यहां पे क्या निकला, x माइनस एक्स नॉट इस v के जगह पे, v का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी। तो उस v के जगह पे हम इस चीज को पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाई टू होल इंटू टी, ये बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू टू वी नॉट प्लस ए टी होल डिवाइडेड बाई टू, ये होगा। अब इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी बाई टू, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। क्या किया यहां पे, इसके लिए टू अलग कर दिया, इसके लिए भी टू अलग कर दिया, तो टू टू गेट्स कैंसिल, तो बचा कितना वी नॉट और यहां पे ए टी बाई टू, ये बचा। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट उस तरफ चला जाए तो प्लस एक्स नॉट प्लस वी नॉट प्लस, इसको अगर थोड़ा सजा के लेके वन बाय टू बाहर ले आया इंटू ए टी हाफ ए टी, कुछ गलत किया क्या, हाँ गलत किया, इसके साथ टीवी तो था वहां से, तो ये हो जाएगा इसके साथ टी, इसके ये स्क्वायर, ये तो होगा ना, इसके साथ भी टी मल्टीप्लाई ना, तो इसके साथ भी टी, इसके साथ भी टी, तो ये हो गया टी वी नॉट इंटू टी, और ये हो गया हाफ टी स्क्वायर एटी स्क्वायर, वही फॉर्मूला था सेकंड वाला, एक्स इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, मतलब डेरिवेशन। अब आते हैं तीसरे में, तीसरा हमें क्या बोला है, क्या फॉर्मूला है, वी माइनस वी नॉट वी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, ये चीज है। चलो इसके लिए हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, अभी निकाले थे ये वाला, वी इक्वल टू वी नॉट प्लस एटी, वी नॉट अगर इस तरफ ले आए तो क्या हो जाएगा, वी माइनस वी नॉट इक्वल टू एटी, ये बनेगा या नहीं बनेगा। चलो अब यहां पे हमने एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला निकाला था, क्या था, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम अगर मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसको थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूं तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी मैंने निकाला था, क्या था, वी प्लस वी नॉट बाय टू, इससे पहले थोड़ी देर पहले, इनटू टाइम के लिए अगर थोड़ा सिंबल में टी लिख लूं, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, एक्स माइनस एक्स नॉट, यही तो है, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं। तो यहां पे
इस वाले इक्वेशन को v प्लस वी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट बाय टी, ये बनेगा। अब मान लो ये वाला इक्वेशन आपका 1 था और ये वाला इक्वेशन 2 है, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो LHS LHS के साथ मल्टीप्लाई, RHS RHS के साथ मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, तो हमारा क्या बन जाएगा, v माइनस वी नॉट इंटू वी प्लस वी नॉट इक्वल टू 2 इंटू सॉरी 80 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई टी, ये बनेगा। तो टी टी किट्स कैंसिल। अब यहां पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2 ए एक्स माइनस एक्स नॉट लिख सकता हूं। और वही चीज मुझे यहां पे डिराइव करनी थी, हो गया। थोड़ा चौथे वाले पे आते हैं, इसको समझना अच्छे से, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन इजी। मान लो ये आपका रास्ता है, ठीक है, यहां पे आपका टाइम आपका मान लो 0 हो गया, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे यहां पे मान लो टी इक्वल टू 10 सेकंड है, तो इसके पहले वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, टी विल बी इक्वल टू 9 सेकंड होगा ना। तो ये वाला जो इंटरवल होगा इसको हम क्या इंटरवल से बोलेंगे, इसको कौन सा इंटरवल बोलेंगे, नहीं टाइम के फॉर्मेट में होता, 10th सेकंड ये बोलेंगे ना। ये अगर 8 होता तो ये वाला इंटरवल को 9th सेकंड, नहीं समझा। देखो अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस क्या है 1, ये वाला डिस्टेंस क्या है 2 नहीं है 1 ही है, अरे 1 है ना, यहां से यहां माइनस करो, लेकिन अगर यहां से कैलकुलेट करेंगे 2 होता है, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे। अगर नंबर लाइन, नंबर लाइन याद है बचपन में एक एग्जांपल लेके करते थे, मेंढक कूद कूद के जाता है, छोटे क्लास बहुत छोटे क्लास सिस्टम, मान लो 1 2 3 4 5 ये 6 ये हुआ, तो आपको नंबर लाइन पे 5 दिखाना है, तो आप कैसे दिखाते थे, टिंग 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 ऐसे जाते थे ना। हाँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, हम इसको 1 तो नहीं बोल सकते, हम इसको बोल देते थे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये जो है ये एक्चुअल में है क्या, इसको जरा समझो। मान लो यहां पे टाइम हो गया आपका 0 सेकंड, यहां पे हो गया 1 सेकंड, यहां पे हो गया 2 सेकंड, यहां पे हो गया 3 सेकंड, ये हो गया। तो इस वाले पॉइंट पे तो आपका 1 सेकंड हो रहा है, तो ये वाला जो इंटरवल होगा वो हम क्या बोलेंगे, इसको फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड मतलब इससे COND सेकंड होगा, ये होगा सेकंड सेकंड सेकंड, ये क्या होगा थर्ड सेकंड होगा ना। वही यहां पे बताया, अगर ये टी है, ये 10 है, टाइम यहां पे 10 सेकंड है, यहां पे 9 सेकंड है, तो इस इंटरवल को हम क्या बोलेंगे 10th सेकंड, इस इंटरवल को क्या बोलेंगे 9 सेकंड, इस इंटरवल को क्या बोलेंगे 7 सेकंड। वैसे अब इसको अगर थोड़ा जनरलाइज करें, ठीक है, थोड़ा जनरलाइज करते हैं इस चीज, अगर मान लो ये वाला पार्ट आपका n सेकंड हो गया, ठीक है, n n सेकंड, तो ये वाला पार्ट आपका क्या होगा n माइनस 1 सेकंड होगा या नहीं होगा, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा nth सेकंड होगा ना, nth सेकंड ये होगा। अब मान लो ये एक एक्सिस है आपका, यह एक रास्ता है, आपको यहां से यहां तक पहुंचने में 9 सेकंड लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड लगा, ठीक है, तो आप nth सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, मतलब जब 9 से 10 तक पहुंचे तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 10 सेकंड, समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो अगर जनरल फॉर्म के बारे में बात करें, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड, ये जो SNF लिखा हुआ है वो वही है, ठीक है, समझ आया। तो यहां पे जो SNF है, SNF का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकंड, ठीक है। अब इसको जरा देखो, ये तो हो गया आपका टाइम के फॉर्म में, अब इसके साथ हम थोड़ा डिस्टेंस जोड़ते हैं, क्योंकि बेसिकली हमें SNF ही निकालना है ना, तो डिस्टेंस निकालना है, तो nth तो जोड़ना पड़ेगा, टाइम का आपका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, टाइम क्या है nth सेकंड। अब यहां पे यहां से यहां तक ट्रैवल करने में अगर ट्रैवल किया जाए तो कितना डिस्टेंस कवर होगा, डिस्टेंस कवर्ड इन एस एन माइनस वन सेकेंड, ये होगा,
ये वाला क्या हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकेंड्स, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये होगा ये वाला टोटल डिस्टेंस, ये वाला n-1 में डिस्टेंस, मान लो 10 सेकेंड में आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हो, 9 सेकेंड में आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रहे हो, तो 10वें सेकेंड में, मतलब उस टाइम पे 10वें सेकेंड मतलब 10th सेकेंड में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, ये वाला डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस माइनस इसको कर दो तो आपको ये वाला मिल जाएगा, ऐसा ना मिलेगा ना, समझ में आया या नहीं है, पक्का? चलो अब डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर, ये होता है ना। अब हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एस एन, क्या हो जाएगा एस एन, क्या हो जाएगा, जहां पे टाइम टी है वहां पे एन पुट कर दो बस, क्योंकि एन एस सेकेंड के लिए निकाल रहे हैं ना, तो जहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ये बन जाएगा एस एन के लिए, और एस एन माइनस वन के लिए क्या हो जाएगा, यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, तो एस एन एस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस एन माइनस वन, एस एन माइनस, एस एन माइनस वन, अभी आपको बताया ये वाला निकालने के लिए, ये वाला डिस्टेंस माइनस ये वाला डिस्टेंस, एस एन माइनस वन हमें पता है ये वाला, एस एन हमें पता है ये वाला, बस पुट करना है, पुट अगर कर दें तो क्या बन जाएगा, एस एन, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर, ये बनेगा, समझे इतना तक। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, कहाँ पे करो, ये वाला डायग्राम बनाए, मिटा दो ये वाला बोर्ड, मिटाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हो जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन, ये बनेगा। अब अगर मैं इसको और थोड़ा सॉल्व करूं तो क्या बन जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस एन, ये बनेगा, हाफ मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, तो अब ब्रैकेट करो तो क्या बन जाएगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ ए प्लस ए एन, ये बनेगा, कुछ कैंसिल हो रहा है, यू एन से यू एन कैंसिल हो रहा है, हाफ ए एन स्क्वायर और हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे बचा कितना, यू माइनस वन बाई टू ए प्लस ए एन, ये बचा माइनस ए बाई टू कॉम, इसको अच्छा इसको ऐसे भी लिख लो, यू प्लस ए एन, ए एन माइनस वन बाई टू ए, तो इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, u प्लस ए बाई टू का अगर कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, 2n एन माइनस वन, ये होगा, यही तो फॉर्मूला है ए बाई टू एन माइनस वन, और यहाँ पे u को ये आपका sn, sn एच फॉर्मूला निकल गया है। अब अगर मैं u को v नॉट भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है, वही सेम चीज़ होता है, तो होता है, तो एस एन एच इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होकर निकल गया है, समझ में आया, ये फॉर्मूले का ये छोटा डेरिवेशन है। अब इसके बाद हम एक्चुअल कैलकुलस मेथड वाला डेरिवेशन करेंगे, जिसके लिए हमने दो क्लासेस पूरा लगाई मैथमेटिकल टूल्स के लिए, वो हम यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, समझ में आया आज का क्लास, कोई दिक्कत, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय।